लवलीज़, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वंस अगेन लेकर आई हूँ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू आपके लिए। सो दैट इफ यू आर रियली थिंकिंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट, तो आप इसके बारे में जितना हो सके उतनी नॉलेज को गेन कर सके, कलेक्ट कर सके, जान सके कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्चुअल में किस तरह से काम कर सकता है, आपके लिए काम करने वाला है या नहीं करने वाला, थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया तो आपको हो ही जाएगा। दैट इज वाई जब भी हम ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हम लोग रिव्यूज पढ़ते हैं, जबकि हम जानते हैं सबका स्किन टाइप अलग होता है, सबका स्कैल्प टाइप अलग होता है, सबका हेयर टाइप अलग होता है, सबका हो सकती है प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। किसी को अगर दाग है तो वो दाग लाइट होता है, किसी का दाग होता है वो डार्क होता है, तब भी हम रिव्यूज पढ़ते हैं। उसी तरह से जो वीडियोज में आपको रिव्यू मिलते हैं वो भी आपकी जो परचेजेस होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं। तो इसलिए बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट यू कुड डेफिनेटली गो थ्रू माई वीडियोज, ताकि आप बेहतरीन तरीके से जान सके कौन से प्रोडक्ट इंस्टेंटली रिजल्ट देते हैं, कौन सा थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो कौन सा किस तरह से काम करते हैं और बाकी सब बातें। अब बातें हो गई हैं बहुत ज्यादा, अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है आज का प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डे। तो लेकर आई हूँ एक फेस क्लिंजर, अगेन डेली रूटीन में यूज करना है, कोई स्पेशल टाइम नहीं देना है, कोई स्पेशल अलग टाइम नहीं निकालना है, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी 15-20 मिनट्स फॉर दिस। तो ये है आज का हमारा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम सारे डिस्कशन करने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, पूरी जो भी मेरा टोटल एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है फ्रॉम ग्लैम वेदा मलबेरी एंड लिक्विडिस फेस वॉश, फोमिंग क्लींजर, फोमिंग एंटी एजिंग, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, ये इन्होंने यहाँ पे फ्रंट पे मेंशन किया है। तो इसकी जो पहले मेन क्वालिटीज है वो है दिस इज एन एंटी एजिंग फेस वॉश। तो इफ यू हैव क्रॉस 20 तो आप डेफिनेटली एंटी एजिंग फेस वॉशेस, बॉडी वॉश, कुछ ऐसी चीजों के लिए जा सकते हैं विदाउट एनी थिंकिंग, क्योंकि फेस वॉश या बॉडी वॉश कोई भी ऐसी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीजें नहीं होती कि आपकी स्किन पर एकदम से असर दिखा देंगी या फिर आपकी स्किन को वो चीज अभी नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कुछ फेस क्रीम्स होती हैं। यानी कि अगर एंटी एजिंग वाली क्रीम्स है, यू शुड सेलेक्ट देम विद प्रॉपर कंसंट्रेशन, केयर एंड आफ्टर फुल नॉलेज कि क्या आपकी स्किन को अभी वो जरूरत है, तो वो सब बातें। बट बॉडी वॉश और फेस वॉश में मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा केयर करना चाहिए। इफ़ यू हैव क्रॉस 20 यू कुड डेफिनेटली गो फॉर एंटी एजिंग फेस वॉश और बॉडी वॉशेस। तो ये जो एक फेस वॉश है दिस इज अ एंटी एजिंग फेस वॉश, इनके जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो है लिकोरिस एंड मलबरी। लिकोरिस की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मेन टॉप इंग्रेडिएंट्स फॉर स्किन ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, फेडिंग योर स्पॉट्स, रिड्यूसिंग लाइन्स, इन सब बातों में। और सेकेंड आ जाता है मलबरी जो कि एंटी ऑक्सीडेंट से लोडेड होता है, तो आपकी स्किन के न्यूट्रिशन जो आपका स्किन लैक कर रहा होता है उसको फुलफिल करता है। तो ये है दो मेन इन्ग्रीडियंट्स का काम। बट यहाँ पे इन्होंने जो मेन मैंशन किया है दिस इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। फेस को बहुत ही अच्छी तरह से क्लींस करता है, माइल्डली क्लींस करता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड छोड़ता है, बिल्कुल भी वो ड्राई या फिर पैची नहीं बनाता आफ्टर वॉशिंग, बहुत ही अच्छा है। मोर ओवर दिस इज अ फोम बेस्ड क्लींजर, तो जो फोम बेस्ड क्लींजर्स हैं वो टोटली माइल्ड रहते हैं आपकी स्किन पे, वो बिल्कुल भी हार्श नहीं रहते आपकी स्किन पर। तो ये एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि ये एक फोमिंग क्लींजर है। बात करते हैं इसके और इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें आपको लिकोरिस मिलता है, मलबरी मिलता है, साथ ही साथ टर्मरिक भी मिलता है। तो एक और ग्रेट नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐड हो जाता है इनके लिस्ट में, विच इज टर्मरिक। अब आपको पता है टर्मरिक जो है एज एंटी एजिंग, एज अ लाइटनिंग, एज अ ब्राइटनिंग, एज अ एंटीसेप्टिक, इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ लोडेड होता है, यानी कि आपके स्किन के लिए टोटली बेनिफिशियल है। तो ऑल इन ऑल यू कैन से आपकी स्किन पे जो भी इंग्रेडिएंट्स वाला ये प्रोडक्ट यूज होने वाला है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा, बुरे का तो आप सोच ही नहीं सकते। मोर ओवर ग्लैम वेदा इज अ ब्रांड, यू कैन से दिस इज अ ऑर्गेनिक ब्रांड। ग्लैम वेदा के और भी मैंने प्रोडक्ट्स अपने इस चैनल पे शेयर किए हैं और मेरा रिजल्ट अभी तक अच्छा ही रहा है ग्लैम वेदा के प्रोडक्ट्स के साथ। सिर्फ एक प्रोडक्ट था विच आई हैव बीन आई थिंक एक साल पहले मैंने वो यूज़ किया था, वो प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया था। बट वही बात की टोटली डिफरेंट होती है हमारे स्किन टाइप्स, हेयर टाइप, तो हो सकता है जो मेरे पर सूट नहीं किया वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से सूट किया। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्या है ना कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते करते बात कहीं और ही पहुँच जाती है। तो ये है हमारा आज का प्रोडक्ट, इसकी क्वान्टिटी है 150 ml, विच इज़ क्वाइट ग्रेट।
अगर तो आप इजिली देख पा रहे होंगे, लेट्स रिमूव द स्टिकर सो दैट मैं आपको बता सकूं कि ये कितना यूज हो चुका है. हियर यू कैन सी नाउ, अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको हाफ से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ. ये फोम जस्ट थोड़ा सा मूव करने की वजह से फोम यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया हुआ है, तो मोर देन हाफ मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ. इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको मिलती है 150 ml, और प्राइस की बात करें MRP जो है वो है ₹350, बट आई हैव परचेज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन आई थिंक 50% डिस्काउंट. 50% डिस्काउंट पर मैंने इसको परचेज किया था, तो 350 का 50% आप खुद इमेजिन कर लीजिए कितना अफोर्डेबल हो जाता है. मोर ओवर ग्लैमवेदा के प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक रहते हैं, नेचुरल बेस्ड रहते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड रहते हैं, दे आर माइल्ड, दे आर नॉट हार्श, टोटली सेफ है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो भी आप इनके प्रोडक्ट्स के लिए जा सकते हैं. यू मस्ट ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं स्किन पर, माइल्डली काम करते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग हार्श जो आपकी स्किन को हार्म करेंगे. तो दिस इज अ ग्रेट ब्रांड एंड हैज ग्रेट प्रोडक्ट्स. तो ये मैंने आपके साथ इनके इंग्रेडिएंट शेयर कर दिए. प्राइस जो 350 है वो आपको 50% डिस्काउंट पर भी मिलता है. फोमिंग फेस वॉश है, सभी जानते हैं फोमिंग फेस वॉश किस तरह से काम करते हैं. लेट मी शो यू, इस तरह से जब आप पंप करते हैं तो फोम आ जाती है, एंड यू हैव टू जेंटली रब दिस फोम ऑन योर फेस लाइक दिस. और जैसे ही आप इसको करेंगे इस तरह से आपने अपने फेस के ऊपर मसाज कर लेनी है. टोटली माइल्डली आपके फेस को क्लींस करता है ये, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ मुझे लगती है. लेट मी वाइप दिस फर्स्ट. तो ये बहुत ही ज़्यादा माइल्डली आपके स्किन को क्लींस करता है. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एंटी एजिंग फेस वॉश, वो भी अगर आप फोम बेस्ड क्लींसर को यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ फोम बेस्ड क्लींसर्स, तो आप डेफिनेटली इस ब्रांड के इस पर्टिकुलर फेस वॉश को ट्राई दे सकते हैं. रिजल्ट की बात करें तो इसके जो रिजल्ट्स हैं कि आपके डार्क स्पॉट्स लाइट होते हैं तो यस होते हैं, आपके स्किन के कलर को मेंटेन रखते हैं, और अगर आपके स्किन पे कहीं किसी वजह से टैनिंग वगैरह हो रखी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी काम करता है. तो इट इज़ अ फेस वॉश जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में, आपकी स्किन पे कोई एलर्जीज वगैरह होती है उसको रिड्यूस करने में, आपकी फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स, इन सभी चीज़ों पर काम करते हुए आपके स्किन को रिफ्रेश्ड, हेल्दी, मॉइस्चराइज्ड फील देता है. तो ये था हमारा आज का एक ब्यूटीफुल सा, ऑसम सा, नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड का फोम फेस क्लेंजर. आप डेफिनेटली इसको अपने लिस्ट में, विश लिस्ट में एड ऑन कर सकते हैं, एंड वेन एवर यू सी द डिजायर्ड वहां पर डिस्काउंट आ गया है तो जस्ट डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस ब्यूटीफुल एंड ऑसम प्रोडक्ट. तो ये था हमारा आज का वीडियो. टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.